So hi guys, welcome back to JD Sony Vlog. Good morning. Okay, आज जैसा कि आपको पता है कि सावन चल रहे हैं, सावन सोमवार चल रहे हैं, तो आज जो है ना हम लोग जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए। तो मम्मी जी पूरे रेडी बैठे हो, मेरे भी जस्ट भी नहा के आया हूँ, माता जी के अपने दर्शन भी कर लिए हैं और अब अपन चलते हैं मंदिर जल्दी से एकदम। भाई बहुत अच्छा लगता है सही में, सावन सोमवार अच्छा लगता है, भोलेनाथ भगवान की पूजा करते हैं सब। और भी पापा जी भी ना फूल लेके आए थे, मैं आपको बताता हूँ। गाइस अभी देखो पापा भी ना मंदिर से होके आ गए हैं, फूल लेके आए भोलेनाथ भगवान के लिए, और मस्त हमने अब सब रेडी कर लिया है, तो हमें चले मंदिर है ना, चलते हैं मंदिर। सो गाइस देखिए पहले से हमारे पूरी पानी हो रखा, पानी आ रहा है बेबी। तो गाइस अभी मम्मी दीदी और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। हाँ से फूल ले लेते पहले पेड़ पे से, ये वाले पेड़ पे से। सो गाइस देखिए पूरा हरा भरा हो गया पूरा गार्डन, पूरा पानी भर रहा है, पूरा यहाँ पे पानी भर रहा है देखिए, वो सामने भी पूरा पानी भरा हुआ है, झूले का भी पूरा पानी भरा है और वो रहा सामने। भैया आज तो मम्मी दीदी पूरे मतलब ग्रीन में, मम्मी ने भी ग्रीन साड़ी पहनी, दीदी ने भी ग्रीन कुर्ता पहना है। और भाई आज तो ना सोमवार, तो भाई पहला दिन है, आज सजेंगे भैया भगवान। भाई पहले पीपल जी पर जल चढ़ाएंगे हम लोग, देखो मंदिर में कितनी भीड़ हो रही है, मतलब मस्त हो रहा है, सज गया है पूरा मंदिर। भाई इधर ना देखो पूरे पैर धस रहे हैं कीचड़ में, ये देखो दीदी के देखो चप्पल लेके यहाँ पे नहीं आ सकते ना, चप्पल पूरी गंदी हो जाएगी, वो कहते कीचड़ इसे भी बाप रे बाप, ये पूरे पैर हो गए। ये भाई भजन चल रहा है बहुत मस्त वाले कही दी पैर हो गए है ना पूरे कीचड़ में। अभी ना हमने जल चढ़ा दिया है फाइनली, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी मंदिर में, आपने देखा ही होगा कितनी भीड़ हो रही थी, मतलब भोलेनाथ एकदम फ्री नहीं है, मतलब इतने भक्त हो गए पूछो मत। जैसे जगह मिली फिर हमने जल चढ़ाया भोलेनाथ भगवान को, मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छे से जल चढ़ गया, अभिषेक कर दिया बाबा का सही में, बहुत अच्छा लगा। रोज ही आते हैं जलाने को, लेकिन आज स्पेशल डे ना, सोमवार है, मतलब सावन सोमवार का पहला सोमवार है आज, तो और भी अच्छा लग रहा है हमको। वही जगह व्यू देख सकते हैं पूरा गार्डन का जंगल पूरा हरा भरा हो गया एक नंबर। तो गाइस अभी तो हम मंदिर से आ गए पर आज क्या है, हम चारों का उपवास है, तो मम्मी बता अभी फरियाल बना रही हैं, तो मम्मी जो है फरियाल बना रही हैं, रेडी हो गई है फरियाल, हाँ रेडी हो गई, क्यों हम तो नहीं बचाएंगे तेरे लिए, तेरा आज उपवास है ना, क्यों खा रही है। अच्छा भाई चलो चलते फरियाल करते हैं। सो गाइस अभी ना शाम हो चुकी है और अभी खाने की तैयारी चल रही है, और अभी यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है, मम्मी दीदी खाना बना रही है, रोटी बन रही है। सो गाइस बाहर तो पानी गिर रहा है बहुत तेज, सुबह से ही आ रहा है, मतलब सुबह से ही मौसम जो है ना पूरा ख़राब ही चल रहा है, धूप तो आई ही नहीं है। गाइस दीदी जो अभी नेल पेंट लगाने बैठ गई है, उसका सेट ले आई है वो, और ये देखिए नेल पेंट लगा रही है। वैसे सबको बताया था कि आज मंदिर में श्रृंगार है और महाआरती है, तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर, देखते हैं कैसी होती है, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है चलिए। तो चले हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर चल रहे ढोलक बज रहे हैं, मस्त जगमग हो रखा है पूरा मंदिर भाई। तो गाइस यहाँ पे देखो डॉग के बच्चों को जा रहे हैं। तो गाइस दीदी है यहाँ पे, मौसी है, अरे श्रीम 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 हेलो बोलो, हेलो श्रीम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमने
हमने प्रसाद ले लिया है, आरती भी हो गई है। बैक टू होम। बहुत आनंद आया आरती में गाइस, सच में बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत अच्छा लगा हमको आरती में। प्रसाद भी लेके आए हमको। देखा आपने, मतलब बहुत अच्छा, मतलब ढोलक वोलक मतलब आनंद आ गया मतलब आरती में तो। सो गाइस, अभी ना हम लोग खाना भी खा चुके हैं और मंदिर में तो भाई बहुत अच्छा लगा आज। तो आज जो स्पेशल था वही था मंडे, जो पहला सावन सोमवार था, बस वही आज बहुत अच्छा लगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस, अगर आपको ब्लॉग हमारा अच्छा लगा ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।